दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप दुबले पतले ही खून की कमी है या फिर आप सौंदर्य में निखार लाना चाहते हैं, शरीर में नया खून बनाना चाहते हैं, ताकत को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप कमजोरी महसूस करते हैं तो दोस्तों उसके उपाय के लिए हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं, बजट की चीजें बताने वाले हैं। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो ये इन समस्याओं को खत्म करती है, खून को बढ़ाती है, ताकत को बढ़ाती है। यानी कि आपको अपनी बॉडी में खून बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए किन बजट की चीजों का सेवन करना चाहिए, किन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में खून की कमी है और कमजोरी आने लगी है तो आप सस्ती चीज जो आजमा सकते हैं वो है दोस्तों पालक। दोस्तों शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए पालक बहुत अच्छा होता है। आप इसे अपने आहार में जरूर शामिल करें या फिर आप पालक का रोजाना जूस पी सकते हैं। अगर आप इसका जूस पीते हैं, आपको ज्यादा जूस नहीं पीना है, थोड़ा आप जूस पी सकते हैं, लगभग आधा एक कप। अगर आप ये जूस पीते हैं तो इससे आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी दोस्तों दूर होती है और त्वचा पर निखार आता है। पालक का रस पीने से दोस्तों आपका मानसिक तनाव जो है वो दूर होता है और पालक काफी सस्ती रेट में आपको मिल जाता है, काफी बजट में आपको ये मिल जाता है। आपको ज्यादा कुछ इसमें खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है दोस्तों जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों में, वो है टमाटर। दोस्तों टमाटर की सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि ये आप कच्चा भी खा सकते हैं, चलते फिरते इसका सेवन कर सकते हैं और ये शरीर में खून को बढ़ाता है और शारीरिक कमजोरी दूर करता है। टमाटर खाने से दोस्तों खून ही नहीं बढ़ता, साथ ही ये हमारी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है और आमाशय जो होता है भोजन को पचाता है उसकी कमजोरी को भी ये टमाटर दूर करता है और त्वचा पर निखार लाता है और ये काफी बजट में भी आपको मिल जाता है, इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सवेरे दूध पीते हैं और उस दूध में अगर आप शहद मिला देते हैं तो भी ये शरीर में खून की वृद्धि करता है, शरीर में ताकत को ये बढ़ाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप फल फ्रूट पसंद करते हैं तो उसमें आप अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं। मानते हैं कि अंगूर दोस्तों थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन समय के साथ ये लास्ट, लेकिन जब ये बाजार में दोस्तों आना शुरू होते हैं तब ये महंगे होते हैं, कुछ दिन बाद ये सस्ते हो जाते हैं। और जब आप अंगूर सस्ते हैं तब आप ले सकते हैं और इनका अगर आप सेवन करते हैं, इनका जूस पीते हैं तो ये शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है और कमजोरी को दूर करता है। आप अगर अंगूर का सेवन करते हैं तो लगभग एक महीने तक आप इनका सेवन जरूर करें, आपको जैसे मिले आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप अंगूर का दोस्तों सेवन करते हैं तो भोजन के आधे घंटे बाद आप अंगूर का सेवन करें, इससे लाभ अधिक होता है। उसी के साथ दोस्तों आप शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी लोगों की फेवरेट होती है। दोस्तों गाजर शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाती है और जो लोग कमजोर है उन्हें एक ग्लास रोजाना गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए, लगभग वो एक महीने तक पीते हैं तो उनको लाभ होता है, ये शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। उसी के साथ दोस्तों आप केले का भी सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों आप चाहें तो हरी मेथी की सब्जी खा सकते हैं। खास करके बूढ़े लोग जो हैं वो अगर हरी मेथी का सेवन करते हैं या फिर मेथी दाने का भी सेवन करते हैं तो ये शरीर में खून के स्तर को बढ़ाता है और शारीरिक कमजोरी को ये दूर करता है। दोस्तों हरी मेथी खाने से पाचन तंत्र जो है हमारे शरीर में वो सही तरीके से काम करता है और पेट से जुड़े कई रोगों को दूर करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको बजट में मिल जाती है और अगर आप इनका सेवन करते हैं तो शरीर में शारीरिक कमजोरी, खून की कमी को ये दूर करता है। उसी के साथ दोस्तों आप संतरे जब सस्ते होते हैं उस टाइम आप उनका सेवन कर सकते हैं। संतरे का अगर आप रस पीते हैं तो भी खून की कमी में ये लाभकारी होता है, साथ ही त्वचा संबंधी समस्याओं में भी संतरा लाभकारी होता है। उसी के साथ दोस्तों आप केले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप केले का सेवन करते हैं तो दूध के साथ इनका भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।